कुंद्रा खानदान के शहजादे विनायक उर्फ विन कुंद्रा अपनी आन बान शान के साथ तशरीफ ला रहे हैं। जिस दिन के लिए आपने इतनी मेहनत की है वो दिन आज आ गया। आज हम सबके सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। तो इसी बात का तो डर है, कहीं ये सपना टूट ना जाए। चलो रिहर्सल करते हैं। एक्शन। कट इट। कम और कर सकते हैं। हाँ बोलो। मैं सोच रहा हूँ कि ब्लास्ट के साथ ही तुतारी और नगाड़े की साउंड और तेज कर देनी चाहिए, मजा आ जाएगा। क्या बोलता है? वाह सर वाह, ये हुई ना शोमैन वाली बात। शंकर कुंद्रा द किंग मेकर। अरे वसीम, विन को बुला दो एक रिहर्सल के लिए। पक्का, संभाल अपने आप को। देवा, क्या गलती किया रे मैंने? भाऊ, बप्पा पर भरोसा रखो। क्या मैं जायका गुनेगार हूँ? नहीं काका, जायके के गुनेगार आप नहीं है, साई का गुनेगार कोई और वो इंसान जिसने जाई की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। गुनेगार वो इंसान है जिसने जाई के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। मुझे लगा था जाई सब कुछ भुलाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी, पर मैं गलत थी काका। आज उस इंसान की वजह से जाई ने अपने जीवन का अंत करना चाहा, खुदकुशी करनी चाहिए उसने। कौन है वो इंसान? उसका नाम है विन कुंद्रा। विन कुंद्रा? जाई की इस हालत का जिम्मेदार विन कुंद्रा है और मैं उसे जाई को सताने के लिए, उसे तड़पाने के लिए और उसे आत्महत्या तक पहुंचाने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। विन कुंद्रा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। काका वहां पर। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। नहीं जी सकती तो मर जा, लेकिन मेरा पीछा करना छोड़ दो जाई। बिन तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, बिन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। सिद्धि, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था और बिन ने मुझे ऐसा धोखा दिया।
मुझे इतना बेइज्जत किया उसने। उसने मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तूने मुझे नहीं बताया, उसके बाबा को नहीं बताया तूने। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया बोल। देखिए वो जाई की। जाई कैसी है डॉक्टर साहब? कैसी मेरी जाई है? एक तो हो जाएगी ना वो। देखिए उसकी बॉडी 60% जल चुकी है। आई एम सॉरी पर उसका बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी बप्पा की मर्जी। क्या इस दिन का इंतजार कर रही थी तू? नहीं काका, मेरी बेटी एक अमीर जादे के प्यार में पड़ी थी, तुझे पता था लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। वो अमीरजादा मेरी बेटी को सड़क का कचरा समझकर धुतकार के चला गया, तुझे पता था लेकिन तूने मुझे नहीं बताया। अरे वो तो उसके प्यार में पागल थी लेकिन तुझे क्या हुआ था? तूने हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं समझी। अब तो बोल, क्या अभी भी तेरी जुबान पे ताला पड़ा हुआ है? काका मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जाई ऐसा कोई कदम उठाएगी। मैंने कभी कभी भी नहीं सोचा था काका। अगर वक्त रहते तूने मुझे सब कुछ बता दिया होता तो कम से कम मैं मेरी बेटी की जान तो बचा पाता। तेरी इस चुप्पी ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी सिद्धि, समझ लगा तूला? काका वो मैं अब माफ कर दे मुझे, चली जाए ऐसे। काका आप मेरी बात तो सुनिए काका। मैं कहता हूँ चली जाए ऐसे। सिद्धि बहुत गलत किया तूने सिद्धि, बहुत गलत किया रे तूने। ये तू काई केलस पोरी, तूने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई, जाई के साथ इतना सब कुछ हो रहा था फिर भी तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। आई मैं बताती भी तो कैसे बताती, उस दिन वहां पर जाई के ससुराल वाले थे, सब लोग थे, लेकिन आई मैं जाई को बराबर समझाती रही कि उसकी आने वाली खुशियाँ उसकी नई जिंदगी में है, उसके होने वाले पति के साथ है। लेकिन आई बोलो लेकिन क्या सिद्धि, उस दिन तो नहीं बता सकती थी, मानती हूँ, लेकिन हल्दी और इस हादसे के बीच इतना वक्त था कि नहीं? तू चाहती तो मुझे या पकिया भाव को बता सकती थी, हम दोनों मिलकर जाई को समझा सकते थे, पर नहीं, तुझे तो सब कुछ अकेले ही करना था ना। आज तेरी एक चुप्पी की वजह से जाई अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। तेरी इस चुप्पी के लिए मैं तुझे कभी हेलो। हाँ हाँ सविता, जाई की तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना? डॉक्टर अभी कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। सविता इतनी देर से इलाज चल रहा है, जाई ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जाई की तबीयत के बारे में जैसे ही कुछ पता चले तो मुझे खबर करना। हो माने सब, पक्या मेरा भाई जैसा है और जाई मेरी बेटी है, मुझे इस वक्त आपकी मदद की बहुत जरूरत है माने साहब। आप चिंता मत करो जोशी साहब, मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है माने साहब। आज कुंद्राज और माँ शेरावाली प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज मिस्टर शंकर कुंद्रा खुद अपने बेटे विन कुंद्रा को लॉन्च करने जा रहे हैं। We are at the launch of Vin Kundra's film and as we all can see the stage is all set. जैसा कि आप हमेशा की तरह देखते हैं मिस्टर शंकर कुंद्रा, शोमैन ऑफ बॉलीवुड, जिन्होंने अब तक के सारे लॉन्चेस में किसी न किसी सेलिब्रिटी या सुपरस्टार को बुलाया है, और आज तो उनके अपने बेटे विन कुंद्रा की फिल्म का मुहूर्त है। देखते हैं आज यहाँ पे कौन सी मशहूर हस्ती आने वाली।
अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार, इनमें से कोई भी नहीं। मैं मानता हूं कि ये सभी लोग मेरे बहुत ही अजीज हैं, लेकिन आज इनमें से यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है। बल्कि आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी के दो अहम किरदारों से मिलवाना चाहता हूँ। पहले वो है जो कि दुनिया की नजर में इंसान तो है, लेकिन वही इंसान मेरी पूरी दुनिया है। मैं बात कर रहा हूँ मेरी हमसफर और मेरी धर्म पत्नी यानी कि मंजरी कुंद्रा की। मंजरी यहाँ आई। ये वो है जिन्होंने 27 साल पहले मेरा हाथ पकड़ा था और आज तक नहीं छोड़ा है। मेरी जिंदगी में कई बार बुरा वक्त आया, कई बार ऐसा होता था कि आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता था, लेकिन अचानक पीछे से एक हाथ आता था और मुझे सहारा मिल जाता था, और वो हाथ मेरी धर्म पत्नी का होता। बहुत बुरे वक्त देखे, बहुत बुरा समय था, लेकिन हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया। एक बार तो मेरी कामयाबी के लिए इन्होंने अपने गहने तक बेच दिए। सवी की इस चूड़ी को छोड़ के नहीं, नहीं सवी, मैं ये कंगन मैं नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ अनिकेत बहू ने तुझे कंगन तुम लोगों की शादी के सालगिरह के दिन दिया था ना। आज माँ शेरावाली प्रोडक्शन जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पर उसे पहुंचाने में मेरी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने यानी कि पूरी मीडिया के सामने मेरे बेटे विन कुंद्रा की पहली फिल्म का मुहूर्त यानी कि श्री गणेश मेरी धर्म पत्नी के हाथों। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी धर्म पत्नी यानी कि मेरी जिंदगी की असली सुपरस्टार का जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुन, नाम क्या तेरा? सर नीलेश। मेरे काम करेगा? सर आज तो बहुत काम है। 50,000 सोच ले। जो काम मैं तेरे को करने को बोल रहा हूँ उसके लिए मैं तुझे 50,000 दूंगा। 50,000? सर काम क्या, बस इतना बता दो। वो वक्त 4:10, जिस वक्त का मुझे इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार था, वो बस आने वाला है। अब देखते जाइए कैसे इस विन की बर्बादी होती है। शो मिस्टर कुंद्रा और दूसरा सुपरस्टार। जी हाँ, मैं आपको उनसे भी मिलवाने जा रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अपने सामने कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो फिर जब भी मैंने पीछे मुड़के देखा, मैंने इस शख्स को अपने पीछे खड़ा पाया। मैं बात कर रहा हूँ आज के दूसरे सुपरस्टार यानी कि मेरे बड़े भाई साहब मिस्टर अजीत कुंद्रा की। भाई साहब शेंकी, गले लग जा। ओए मेरा शेर पुत्र जिंदा है। विन बेटा, तेरा अच्छा वक्त अब खत्म होने वाला है। अगर पंडित जी की भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं हूं ना। आपके पास 1 रुपया होगा क्या? वाह, करोड़ों में खेलने वाला आज 1 रुपए का सिक्का उठा रहा है। क्या भाई आप भी ना। अरे छोटी, तू नहीं जानती इस 1 रुपए की कीमत आखिर होती क्या है। मतलब? मतलब ये कि इस 1 रुपए के कारण तेरे भाई को भीख मांगनी पड़ी, और वो भी 2-2 बार।
क्या बात कर रहे हो, आपको किसे भीख मांगनी पड़ी एक रुपए की? थी कोई लड़की जिसने मेरी दो दो बार मदद की। वाह भाई, कौन थी वो लड़की जिसने आपकी दो दो बार मदद की? क्यों किया जाई तूने ऐसा? क्यों किया? पता है जाई, इस वक्त इन सबके हाथ तेरी दुआओं के लिए उठ रहे हैं और उंगलियां उंगलियां मेरे ऊपर उठ रही है। बाबा, बाबा, आई पक्या काका, सब मुझे दोषी मान रहे हैं। सबको लगता है कि जाई की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। बाबा, बाबा, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि जाई ऐसा कुछ करने वाली है तो मैं ये सब नहीं होने देती। बाबा, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं बाबा जाई के लिए, कुछ भी नहीं। ए जीवदाई, इधर देख बेटे, इधर देख। नहीं बेटे, नहीं, रोते नहीं। जो कुछ हुआ उसमें तेरा कोई दोष नहीं है बेटे, कोई दोष नहीं है। अरे वो तू ही तो थी जो जाई को हल्दी वाले दिन घर वापस लेके आई थी। तूने तो हमेशा उसका भला चाहा, तू तो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए, सुखी संसार बस जाए। लेकिन पप्पा की मर्जी के आगे हम इंसानों की कहां चली है बेटे। अरे किस्मत वाली है तू, किस्मत वाली है तू कि तूने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। अभागा तो मैं हूं जो अपने दोस्त पक्या के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसके साथ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। और मेरी इस हालत का जिम्मेदार है वो विनायक तलवार। उस विनायक तलवार ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी वजह से मेरे परिवार के भविष्य में आग लग गई। उस वक्त तो मैं उस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन तू इस विन कुंद्रा को मत छोड़ना बेटे। जाई की इस हालत का बदलाव से जरूर लेना, विन कुंद्रा को सजा दिलाकर। भाई बताओ ना, क्या नाम है उसका? शेती का है वो, बताओ ना भाई, प्लीज 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 प्लीज। अरे रुक जा, इतने सारे क्वेश्चन एक साथ पूछेगी। अच्छा उसका नाम तो बता दो। उसका नाम आपने अपना नाम अभी तक नहीं बताया। मेरा नाम एक आम लड़की जिसे कल के अखबार में एक किसी खास नाम का इंतजार रहेगा। थी कोई आम सी लड़की जिसे कल सुबह के अखबार में किसी खास नाम का इंतजार रहेगा। वाओ भाई, हाउ रोमांटिक। आपको पता है मुझे ना पूरा यकीन है आपका ना उस लड़की के साथ कोई ना कोई जरूर स्पेशल कनेक्शन तो होगा। अगर स्पेशल कनेक्शन होगा भी ना तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने पापा जी को वादा किया हुआ है कि मेरी जिंदगी के अगले 4 साल उनके नाम। समझ गई? ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन भाई आप मेरी बात भी एक सुन लो। जिंदगी में ना सारी चीजें प्लान करके थोड़ी ना होती है, और क्या पता कि वो लड़की अभी इसी वक्त आपके बारे में ही सोच रही हो। क्या वो लड़की वाकई मेरे बारे में सोच रही होगी? सिद्धि, मैंने उससे सच्चा प्यार किया था और विन ने मुझे ऐसा धोखा दिया, मुझे इतना बेइज्जत किया उसने।
ये क्या कर दिया विनकुंद्रा? तुमने मेरे दोस्त के साथ ये क्या कर दिया? साई की जिंदगी में जो ये सैलाब आया है उसके जिम्मेदार तुम हो विनकुंद्रा। तुम्हारे इस गुनाह के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पापा ने सही कहा था, 14 साल पहले उस विनायक तलवार ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जाई के साथ किए गए इस गुनाह की सजा मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी विनकुंद्रा।